मध्य प्रदेश में पोस्टरवार पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने एक पोस्टर लगाया जिसमें कमलनाथ और शिवराज सरकार के कामकाज की होर्डिंग में तुलना की गई है। वहीं होर्डिंग में कमलनाथ को कृष्ण बताया तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कंस बताया है। इस पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म का माखौल उड़ाने का पूरी कांग्रेस ने मन बना लिया है। कभी सोनिया जी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अब कमलनाथ को कृष्ण बना दिया है। हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवाद और हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, धरती पे जब जब अन्याय बढ़ता है तो भगवान इंसान रूपी किसी शख्स को वो जिम्मेदारी देता है कि धरती के उस अन्याय को दूर कर सके। तो मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कमलनाथ जी के रूप में मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री के तौर पे चुना था, लेकिन माफियाओं के पैसे पे इस सरकार ने कमलनाथ जी की सरकार को अल्प समय में गिराने का काम करा, लड़ने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को कमलनाथ जी के विकास के साथ जोड़ने की बात करेगी। और निश्चित ही हमें उम्मीद है कि जैसे दमोह की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया था, बाकी उपचुनाव जो 3 विधानसभा के और 1 खंडवा लोकसभा का, हमको आशीर्वाद देके कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, हमको ऐसी आशा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। दरअसल क्या है, धर्म का माहौल उड़ाने का पूरी की पूरी कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है। कभी सोनिया जी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के राहुल बाबा आ जाते हैं, अब ये कमलनाथ जी का कर दिया है। ये हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हों, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हों। इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये सोच है इनका जो सने सने धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है।